दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने PS5 खरीदने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी के भी हाथ नहीं लगा होगा, क्योंकि आते ही एकदम से ही गायब हो जाता है वेबसाइट से, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सोनी ने कहा है कि हम अपनी प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा हाई कर देंगे जितना अब तक कभी नहीं कर पाए हैं। दरअसल PS4 की तो प्रोडक्शन ये अभी भी कर रहे हैं और अच्छा खासा बिक भी रहा है, लेकिन उसको 80,000 बिकने में उसको 9 दिन लगते हैं, लेकिन PS5 की यूनिट सिर्फ 80,000 एक घंटे के अंदर बिक जाती है जैसे ही वेबसाइट्स के ऊपर आती है। तो उसी को पूरा करने के लिए अब ये अपने प्रोडक्शन को ऑल टाइम हाई करने जा रहे हैं, जो कि अब तक इन्होंने कभी भी अचीव नहीं करी थी। तो मतलब ये अपना ही प्रोडक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से जितनी डिमांड है उसको बड़े आराम से पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एनुअल मीटिंग के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को एक बात बताई है, हमारे पास कुछ नहीं है मेटावर्स के बारे में, कि भैया आने वाले 3 से 5 साल तक हम लॉस में जाएंगे, क्योंकि हम मेटावर्स बना रहे हैं, उसकी क्रिएशन में ही इतना पैसा लगने वाला है। मतलब अब तक उन्होंने 10 बिलियन लगा दिए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और भी लगाएंगे, जिसमें वो 3 से 5 साल तक लॉस में जाएंगे। ये बात उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने कही, जिसके बाद में 12 इन्वेस्टर तो वहीं कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने कहा भाई हमारे बस की तो नहीं है ये सारा काम, तो उन्होंने तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही मारा है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ही मेजर शेयर होल्डर हैं, सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं के पास में है, तो शायद उन्हीं की ही चलने वाली है। इन्वेस्टर तो ये है कि अपना पैसा लेके निकल सकते हैं अगर निकलना हो। तो यहाँ पर अभी 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं मेटावर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी इनका कहना ये भी है कि 15 साल भी कुछ प्रोडक्ट्स को तैयार करने में लग सकते हैं मेटावर्स के अंदर जो आएंगे, लेकिन काम करेगा ये, आप विश्वास रखो हम पे ऐसा। दोस्तों, एप्पल को अपना आईफोन 14 इस साल लॉन्च करना है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग डिले ना हो इसकी वजह से वो चाइना से बाहर भी प्रोडक्शन के लिए देख रहा है, जहां पर उसकी नज़र दूसरे नंबर पर इंडिया है, क्योंकि पहले नंबर पे चाइना थी, लेकिन चाइना के अंदर लॉकडाउन की वजह से अब वो इंडिया की तरफ देख रहा है और इसके बाद में वियतनाम की तरफ देख रहा है कि इन दो जगह से मेरी प्रोडक्शन अच्छी आनी चाहिए आईफोन 14 की। लेकिन यहाँ पर मिंग ची कू, जो कि चाइनीज एनालिस्ट है, वो शायद धीरे से कान में बता रहा है एप्पल के कि भैया इन दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि मतलब चाइना अलाउड करेगा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होनी? 90% आपके प्रोडक्ट चाइना से निकलते हैं, आप जा रहे हो इंडिया की तरफ, जिन दोनों में टनाटनी चल रही है, तो आपको लगता है ये पार्ट्स भेजेंगे इंडिया को? तो थोड़ा सा आप सोच के देखो। तो मतलब इस तरीके से कान खुजाई कर रहा है वो एप्पल की, लेकिन एप्पल खुद चाहता है कि वो चाइना से बाहर आए, क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंडेंट वो चाइना की तरफ है, और चाइना के ऊपर क्या है, लॉकडाउन वगैरह, वायरस वगैरह निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाइना से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना चाहता है। हालांकि इंडिया के अंदर है, लेकिन और भी ज़्यादा वो क्रिएट करना चाहता है, ताकि वो चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, मतलब कोई ना कोई तो अड़ंगी देता ही है किसी का काम बनने में। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आईफोन 14 की ही बात कर रहे हैं, तो इसके जो हायर एंड वाले वेरिएंट होंगे, उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मौजूद होगा, जो कि लो रिफ्रेश रेट LPTO डिस्प्ले का यूज़ करेगा, जो कि 1 Hz तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा और हमेशा ऑन भी रखा जा सकता है कुछ चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि आप राइड वगैरह पे जाते हो तो मैप वैप ऑन कर लेते हो ना, तो उस काम में भी आ सकते हो। और बैटरी लेगा बिल्कुल ही कम, मतलब बिल्कुल बोलते बिल्कुल कम। अब यहीं पर दोस्तों, एप्पल की एक और खबर आ रही है कि एप्पल ने अपनी जो सेल्फ सर्विस प्रोग्राम चालू कर रखा है अमेरिका के अंदर, वहां पर एक बंदे ने कहा कि भाई मुझे भी रिपेयर करना है, और यहां पर कोई एप्पल का सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, तो एप्पल ने उनको 36 किलो की रिपेयर टूल किट भेजी कि भैया इससे आप अपना आईफोन 13 मिनी रिपेयर कर लो। और उसमें पंगा क्या था कि सिर्फ एक 30 ग्राम की बैटरी रिप्लेस होनी थी, बस इतना सा पंगा था। ये भी हो सकता था कि वो बंदा कहीं पर भेज दे अपना फ़ोन और उसके बाद में करवा ले, लेकिन क्या है कि फ़ोन में बहुत सारा डेटा होता है, जिसकी वजह से लोग चाहते ही नहीं कि अपना फ़ोन अपने से जुदा हो। तो इसकी वजह से उसने रिपेयर टूल किट मंगवाई और अपना फ़ोन रिपेयर किया, जिसके बाद में उसने खुद बताया कि भैया ऐसी की तैसी हो गई इसको रिपेयर करने के चक्कर में, एक तो मैनुअल भी सही नहीं था। दोस्तों, इस वक्त में ये ऑप्टिकल इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, जहां पर इसके अंदर 12 डॉट्स मौजूद है, हालांकि आंखें ही चौंधिया जाती हैं इसको देखते हुए, कुछ डॉट्स दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, लेकिन टोटल 12 डॉट्स हैं इसमें। और यहीं पर दोस्तों, बोइंग का स्टार लाइनर अब सक्सेसफुली धरती पर भी लैंड कर चुका है, तो इसने बेसिकली एक क्रिटिकल टेस्ट पास कर लिया है, जिसके बाद में अब ये तैयारी करेगा क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने की। मे बी
डमीज को ही भेजे पहले और उसके बाद में क्रू को भेजे, तो उसके बाद में ही इसको नासा का वो सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसके बाद में एस्ट्रोनॉट वगैरह भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर दो इशू इनके साथ में हुए थे इस पूरे मिशन के अंदर, लेकिन डॉकिंग और लैंडिंग दोनों ही सक्सेसफुली करी है, तो बाकी के इशू तो ये फिक्स कर ही लेंगे जो कि इन्होंने नासा से वादा किया है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तब बेल का आइकन जरूर दबाना वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।